हदीस में आका ने गुलामों को क्या सबक अता किया होगा, पता नहीं उस हदीस में आका ने उम्मत के दामन में कौन सा अनमोल हीरा डाला होगा। खुदा की कसम, भूख ने उठने नहीं दिया था आज तक, मगर इश्क रसूल ने खड़ा कर दिया। मुस्तफा का गुलाम बिस्तर से उठा, उठने के बाद आया बेटी के करीब, सर को पकड़ के चूम लिया, आया बेटे के करीब, सर को पकड़ के चूम लिया, आए अपनी बीबी के करीब, हाथों को हाथ में लेकर कहा, मेरी शरीके हयात ये कोई शक्की बात नहीं, मेरे सीने में तुम्हारी मोहब्बत के सैकड़ों चराग जल रहे हैं, मगर तुम्हारी मोहब्बत के चरागों को मैं अपने नबी की हदीस पर कुर्बान करने जा रहा हूँ। क्या आपकी इजाजत है? पैगंबरे ईमान बीबी, सब्रो इस्तकलाल का मुजस्समा बीबी, कनीजे फातिमा बीबी, आंसू से भर लाई, मगर आंखें साफ करके अपने शोहर के हाथों को चूम कर कहा, मेरे सरदार दौलत कमाने जाते नहीं भेजती, तख्त के लिए जाते नहीं भेजती, हुकूमत के लिए जाते नहीं भेजती, अगर मुस्तफा की हदीस की बात आ गई है तो चले जाइए, अगर रास्ते में मौत भी हो गई तब भी मुझे कोई गम नहीं है, कयामत के दिन मेरा सर फख्र से ऊंचा होगा कि मैं उस आशिक नबी की बीवी हूँ जो मुस्तफा का जलसा सुनने जा रहा था और रास्ते में उसने मौत को अपने गले दे लगाया। ये है हदीसे रसूल, इतना कहा था बीवी ने, उठकर खड़े हो गए, खुल गई आवाज, मुकम्मल, ठीक है ना, ठीक है ना, कि मेरा कमाल नहीं मेरे पीर ताजू शरीया का कमाल, हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह, इस गले पे तेरे पीर ने दम किया था, अब मुसलसल 10 घंटे भी बोलूंगा तो तुम्हारी बैठ सकती है मेरी नहीं बैठ, एक करामत मेरे पीर ताजू शरीया की है, जिसको चलती फिरती किसी को करामत ताजू शरीया की देखना हो वो मुझ उनके गुलाम को दे, हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह, आप इधर देखें, जदाक अल्लाह, जोर से बोलिए, सुनिए, तेरे रसूल का आशिक है, पेट से कपड़ा बदा है, गर्दन झुकी है, लाकर है, नहीं है, नकाहत का पसीना पेशानी से टपक रहा है, आए निकल के दरवाजे से, बीबी ने दुपट्टे में हाथ छुपाए, सर सजदे में रखा, दो रकअत नमाज नमाज नफिल अदा की, हाथ उठा कर कहा, मौला गरीब है, मौला बीमार है, मगर मेरा शोहर तेरे हबीब की मोहब्बत में निकल चुका है, ए मौला निकलना उसका काम है, मंजिल तक पहुंचाना तेरा काम है, मुस्तफा फरमाते हैं अगर मर्द कमाने के लिए पर्दे जाए नेक बीबी घर में हाथ उठा के दुआ करते अल्लाह उस मर्द को घर में कभी खाली वापस नहीं भरवा, ये है नेक बीबी, ये है बादशाह बीबी, ये है कनीजे फातिमा, अपने हाथ उठा के इधर घर में दुआ कर रही है, इधर के करीब दरवाजे पे आया, चारों तरफ नजर डाली, ऊंट मिलेगा बैठकर दमिश्क जाऊंगा, घोड़ा मिलेगा बैठकर दमिश्क जाऊंगा, सवारी मिलेगी बैठकर दमिश्क जाऊंगा, कोई साथी मिलेगा उंगली पकड़कर दमिश्क जाऊंगा, चारों तरफ देखा सुबह से शाम हो गई, ना घोड़ा मिला ना ऊंटनी मिली ना कोई उंगली पकड़ कर चलने वाला मिला, जमीन पर नकाहत ने बैठा दिया, उलझनों ने कहा रुक जा, परेशानियों ने कहा रुक जा, फाखा कशी ने कहा रुक जा, रंजोगन ने कहा रुक जा, बीमारियों ने पाँव की बेड़िया बन के कहा रुक जा, हालात ने हाथों की हथकड़ी बन के कहा रुक जा, मगर नबी का इश्क बोला ना निकल जा निकल जा, तुझे कामयाबी घर में बैठ कर नहीं मिलेगी, अगर इज्जत मिलेगी तो मुस्तफा का जल सुन ले, गुलाम बीमारी की हालत चल दिए पैदल, अल्लाह 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 अल्लाह, क्या कहने का है, जोर से बोलो सुभान अल्लाह, चल दिए पैदल, उंगली पकड़ने वाला कोई नहीं, पैर डगमगा रहे हैं मगर चल रहा है गरीब, सर से पसीना गिर रहा है मगर चल रहा है गरीब, पैरों पे बराम आ गया है मगर चल रहा है गरीब, पांव में आंवले पड़ गए हैं मगर चल रहा है गरीब, चल जा रहा हारों में सफर, पहाड़ों में सफर, जंगलों में सफर, चटियल मैदानों में सफर, गरम रेत पर सफर, होता रहा
सफर चलते 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 खुदा ने वो दिन दिखाया कि सीमा दमिश्क के करीब आ गई। हाय हाय हाय, जोर से सुभान अल्लाह, जोर से सुभान अल्लाह। बंदे निकलना तेरा काम और मंजिल तक पहुंचाना मेरा काम। निकला मुस्तफा का गुलाम, सीमा करीब आई, पूछा लोगों ये है दमिश्क कहाँ? हाँ ये है दमिश्क। रात को कयाम किया, देर से आँख खुली, सुबह जैसे ही आँख खुली लेकिन लोगों से पूछा जामा मस्जिद कहाँ है? बच्चे ने कहा देखो वो सामने मस्जिद का दरवाजा है, जाइए मगर तेजी से जाइए। कहा क्यों? कहा तुम्हें खबर नहीं कि आज दिन जुमा है? जोर से जोर से दिल से दिल से हाथ उठा के दिल से कहा तुम्हें खबर नहीं कि दिन जुमा है? कहा नहीं। कहा नहीं जुमा है और खुशी की खबर सुनो जुमा भी है, साथ में नबी की हदीस भी मिलेगी। नबी का गुलाम तेजी से चला, क्या मकाम है जलसों का, क्या तकद्दुस है हदीसों का। पहचानो जरा समझो तो सही, पहले कोई आलिम मिलता था लोग उसके पांव की खाक को अपनी आंख का सुरमा बना लेते थे। पहले कोई आलिम मिलता था लोग उसके झूठे पानी पी पी के अपनी नस्लों पर फख्र करते थे। आज तो तेरी बस्ती में आलिम आता तो खसरे उड़ा देते हो, मस्जिद में आलिम है उसका तमस्कुर तुम करते हो, मस्जिदों में जब ढोलक का मिल गई घमंडी बन गया, मकान का बना लिया घमंडी बन गया, थोड़ी सी इज्जत का मिल गई मारे घमंड के टूटने लगा। शर्म नहीं आती तुझे, हैरत नहीं आती तुझे, हया नहीं आती तुझे, कहां चला गया, किस मंजिल पर पहुंच गया तू? इस दौलत की वजह से कोई बड़ा नहीं होता, दौलत कमाना कोई कमाल नहीं है, ईमान बचा ले, ईमान बचाना कमाल। दौलत किसी को इज्जत नहीं दिलाती, अगर इज्जत मिलती है तो मोहम्मद मुस्तफा के गुलाम को मिलती है। चंद सिक्के कमाए सबको भूल गए, अल्लाह अल्लाह, न माँ की परवाह, न बाप की परवाह, न भाई की, अल्लाह अल्लाह, कोई किसी की परवाह नहीं। होंगे मौलाना साहब, होंगे मुफ्ती साहब, होंगे सैयद साहब, होंगे पीर साहब, अब तो मेरे सामने कोई भी नहीं है। क्या हैसियत है अल्लाह, और कितनी दौलत है तेरे पास। कारून बहुत बड़ा दौलतदार था, नमरूद बहुत बड़ा दौलतदार था, शद्दाद पे बहुत कुछ था, ईमान नहीं था उनके पास, जलील हो गए, रुस्वा हो गए, बर्बाद हो गए, तबाह हो गए, मिट्टी में मिल गई उनकी इज्जतें। अल्लाह ने नाम मिटा दिए, नस्लें मिटा दी, खत्म कर दिया उन्हें, विस्तार कर दिए उनके किले, तख्त खत्म, ताज खत्म, सल्तनत खत्म, बादशाहत खत्म, उनकी दौलतें मिट्टी में मिलकर रह गए, उनकी नस्लों के निशान खत्म हो गए। आज तक कोई ये बताने तैयार नहीं कि उनकी कब्रों के निशान कहाँ है। अरे सारे 800 साल हो गए, गले में झोली डाल के मदीने से निकला था एक गरीब, आज तुम सो के भी नहीं उठते उस गरीब नवाज के मजार पे कुल कुलों की बर्बाद हो जाती है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। पता ये लगा, दौलत रखना कमाल नहीं है, ईमान रखना कमाल है। क्या बात है सुभान अल्लाह, जोर से बोलो। गरीब था, पांव मोटे, बदन पे फटा हुआ कुर्ता, सर पे टूटा हुआ अमामा, गर्दों गुबार में अटा हुआ जिस 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 मगर जा रहा है मुस्तफा का गुलाम, घूमता हुआ, जामा मस्जिद कहाँ है, जामा मस्जिद कहाँ है, जामा मस्जिद कहाँ है। दरवाजा है मस्जिद का, अच्छा कदम रखा मस्जिद में, जैसे ही अंदर गए हजारों की भीड़ है, सबसे हाथ उठे हैं, कंकने झुकी हैं, आमीन आमीन कह रहे हैं। जब नजर उठा के देखा तो मिंबर पर एक चांद सा मुखड़ा चमक रहा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, पूछा कौन है? कहा ये हजरत अबू दर्दा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जोर से सुभान अल्लाह, जोर से दिल से बोलो, दिल से। अरे यार तो एक आलिम को देख ले, हाय हाय हाय, उसका जवाब नहीं, जिसने सहाबी को देखा हो उसका जवाब कहां से? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, का ये अबू दर्दा, देख
देखते रह गए। बस इन्होंने भी आमीन आमीन कहना शुरू कर दिया। हजारों के बीच में दुआ जैसे ही मुकम्मल हुई, लोग उठ उठ कर जाने लगे। एक शख्स का हाथ पकड़ कर कहा, रुको ना। कहा क्या हुआ? कहा हदीस कब सुनाई जाएगी, महफिल कब शुरू होगी, जलसा कब शुरू होगा, मेरे नबी का जिक्र कब होगा, मेरे नबी की बातें कब सुनाई जाएंगी। लोग बोले आपको आने में देर हो गई, हदीस मुकम्मल हो गई, बातें मुकम्मल हो गई, महफिल मुकम्मल हो गई, उसी के इख्तिताम पर तो दुआ हुई है ना। अब हम जा रहे हैं अपनी अपनी जगह। खुदा की कसम दिल मचल कर रह गया, मुस्तफा के गुलाम की आवाज रोने की इतनी बुलंद हो गई, इतनी बुलंद हो गई कि हजारों को चीर कर मिंबर शरीफ पर पहुंची। मिंबर पर बैठे हजरत अबू दर्दा ने जब इस आवाज को सुना, खुदा की कसम फौरी तौर पर उंगली का इशारा करके फरमाया, रास्ता दो, आने वाले से मुलाकात करना चाहता। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हटो सामने से, हजारों लोग बीच में से हट गए, मिंबर शरीफ से उतरे हजरत अबू दर्दा। कौन अबू दर्दा? दो सहाबी हैं। और सहाबी कौन है जानते हो? सारी दुनिया के मोमिनीन एक तरफ, मोमिनीन एक तरफ, सिद्दीकीन एक तरफ, शुहदा एक तरफ, सालेहीन एक तरफ, अक्काब एक तरफ, अब्बास एक तरफ, अब्ताल एक तरफ, औताद एक तरफ। इन सब के मकाम मरातिबों मनसबों मनाकिब को तराजू के एक पल्ले में रखे और एक सहाबी का मर्तबा तराजू के एक पल्ले में रखे तो इन सब के मनसबों से बढ़कर मुस्तफा के एक सहाबी का मर्तबा होता है। अल्लाह अल्लाह। मगर वो मुस्तफा का सहाबी फटे टूटे कपड़े पहनने वाले गरीब की तरफ उठकर आ रहा है। हजारों के बीच में से निकले, भाग कर आए। आने के बाद जिसके चेहरे पे गर्दों को भार थी, जिसके पांव में फूसन था, जिसके बदन पे फटा कुर्ता था, जिसके सर पे टूटा हुआ अमामा था, बगैर पूछे उनकी पेशानी को चूम लिया, रुखसारों को चूम लिया, लबों को चूम लिया, सीने को चूम लिया, हाथों को चूम लिया, आगोश मोहब्बत में लिया, लेकर कहा, ए मेरे भाई, जल्दी बता तू कौन है और कहां से आया है, इसलिए कि मुझे तेरे जिस्म से मेरे रसूल के मदीने की खुशबू आ रही है। इतना सुनना था, आवाज रोने की बुलंद हुई। कहा यकीनन मैं मदीने से आया हूँ। कहा मतलब बताओ। कहा अबू दर्दा मैंने सुना था आप मेरे नबी की हदीस सुनाते हो हज में को। कहा हाँ। कहा उसी हदीस को सुनने के तलब में मदीने से पैदल चल के आया हूँ। पैसा नहीं था जो सवारी खरीद लेता, कोई जानकारी नहीं थी जो उंगली पकड़ के किसी को ले आता। मेरे इश्क ने मुझे आपके चरणों तक पहुंचा दिया। ये मेरी किस्मत कि मैं मुस्तफा की हदीस न सुन सका। अबू दर्दा सर झुक के बोले, मुस्तफा के गुलाम रोबे मत, रोबे मत, रोबे मत। अगर इस हफ्ता ना मिली तो अगला हफ्ता मुस्तफा की हदीस मिल जाएगी। इश्क बोला, सुनो अबू दर्दा, क्या जरूरी है मैं अगले हफ्ते तक जिंदा रहूंगा? मुझे मौत भी तो आ सकती है। अबू दर्दा रो के बोले, तुम जिस इस्लाम की जहां दीवारी में रहते हो उस इस्लाम में अच्छी नियत पर भी सवाब मिलता है। अगर जिंदा ना भी रहे तब भी तुम्हें सवाब मिलेगा और जब कयामत के दिन कब्र से उठोगे तो तुम्हारा हश्र मुस्तफा की हदीस सुनने वालों में किया जाएगा। ए शहीद मिल्लत के गुलामों, मुझे बताओ जो इरादा करके निकल जाए हदीस सुनने ना मिले, जब उसके तकद्दुस का ये आलम है तो जो सारी रात अली के कदमों पर बैठ कर जलसा सुने उस सुन्नी मुसलमान की इज्जत का साल का। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह वाह, किस्मत वाले हैं आप। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको यहाँ बैठने का मौका अता फरमाया। जोर से बोलो। और सिर्फ यही नहीं, जहां जहां महफिलें हो जाया करो, मुस्तफा जाने रहमत की हदीसें सुना करो, बुजुर्गों के अखबार सुना करो। जिंदगी में कुछ मिले ना मिले, जलसों में बहुत कुछ मिल जाता है। एक चीज और बताओ, कुछ मौलाना लोग भी निकल पड़े नई डिजाइन के, वो जलसों की मुखालफत करने लगे, जलसों को ही बुरा कहने लगे, कोई फायदा नहीं है जलसों से।
कहता हूँ मौलाना बहुत थे, तेरा भी कोई आने का फायदा नहीं। बहुत मौलाना थे, मारते थे। अल्लाह का शुक्र है हमें उस मौलाना की जरूरत नहीं है जो कुर्सियों पर बैठ कर तीन तीन घंटा थके इस्लाम के खिलाफ, मौलवियों के खिलाफ, जलसों के खिलाफ। मैं कहता हूँ हमारे लिए वो अकेला मौलवी काफी है जो मस्जिद के मिंबर पर खामोश बैठा रहे, मगर मुस्तफा की हदीसों का दर्द देता है। जिंदाबाद। खाली बकवास करने की जरूरत नहीं है, जलसों की उम्मत है मुस्तफा को करने की जरूरत थी और मुस्तफा की उम्मत को जलसों की आज भी जरूरत। जोर से बोलो, दिल से बोलो, दिल से बोलो। अरे बोलो, जरूरत है कि नहीं? असम खा के बताओ, सुकून मिल रहा है जलसा करा के लिए? मिल रहा। जोर से बोलो। वो होंगे दो चार लोग जो सुबह को कमेटी वालों से कहेंगे खा गए, मार दी बिरयानी। हर जमाने में होते हैं ऐसे, हर जमाने में होते हैं, मगर दीन के काम करने वालों ऐसे लोगों को नजरअंदाज कर दिया गया। ऐसे लोगों को कंती में मत रखो, दीन का काम करोगे तो मुश्किलें आएंगी, परेशानी आएंगी, मगर जो कांटों पर चल के आगे चले जाते हैं ना, खुदा की कसम फिर उनके मर्तबों को कोई पहुंच नहीं पाता। सफर करके देखो, फलदार पेड़ पर दुनिया पत्थर मारती है, कांटोदार पेड़ पर कोई नहीं मारता। आज ही बैठ जाओ घर में, पागल बन जाओ तुम, दीवाने बन जाओ तुम, कोई कुछ नहीं कहेगा तुम। दीद का काम करने लगो, उंगलियां उठेगी, कलकारी बढ़ा के मैदान में निकल जाओ, कुर्ता पैजामा पहन के बाहर आ जाओ, मस्जिदों में झाड़ू लगाने लगो, दस लोगों पर हंसने वाले बन जाएंगे। क्यों? उनके ईमान कच्चे हैं, कमजोर है, ईमान में नरमी है उनके। अगर ईमान मुकम्मल होते वो तुम्हारी जिंदगी पे हंसते नहीं। मेरे भाई, दीनदार बनिए, वफादार बनिए, गुलाम रसूल बनिए, जाहिर में भी मुसलमान बनिए, बातिन में भी मुसलमान बनिए, और कुछ तुम्हारे पास हो न हो मगर पक्के मोहम्मद मुस्तफा के गुलाम। फला तकरुद बाद ज़िक्र माल को मिज़्ज़ालिमी। कुरान कहता है याद आ जाने के बाद कभी भी जालिमों की कौम के पास मत बैठना। जालिम कौन है इसको समझिए आप गौर से, कौन है जालिम? जुल्म करने वालों की फहरिस्त बहुत लंबी, बहुत लंबी। जो किसी का हक मारे वो जालिम, जो गरीब को सताए वो जालिम, जो पड़ोसी को अकेला समझ के मारे ताकतवर हो वो जालिम, जो किसी की जमीन हड़प ले वो जालिम, जो किसी की बेईमानी कमजोर समझ के कर ले वो जालिम, जो माँ को सताए वो जालिम, जो बाप को सताए वो जालिम, जो शराफत पर पत्थर बरसाए वो जालिम, जो मिस्कीन का हक खाए वो जालिम, जो किसी का हक ना दे वो जालिम। मगर सबसे बड़ा जालिम वो है जो तुम्हारे मेरे रसूल की शान में गुस्ताखी करे। उससे बड़ा जालिम कोई नहीं। जोर से बोलो, उससे बड़ा जालिम, सबसे बड़ा जालिम है वो जो नबी का गुस्ताख है। कुरान कहता है चलिए अब तक इल्म नहीं था, जानकारी नहीं थी, मालूमात नहीं थी आपको, मगर अब जानकारी हो गई। याद आ जाने के बाद कभी जालिमों के पास मत बैठना। आज लोग कहते हैं जो दुनियावी तहजीब रखने वाले हैं, यूनिवर्सिटी की कोख से निकल निकल के आ रहे हैं, नित नए अकीदे लेकर मैदान में बरस रहे हैं लोग, और कह रहे हैं भैया मौलाना लोगों की बात में मत आइए, जिसको जहाँ जगह मिले वो वहाँ बैठे, जहाँ नमाज हो रही है वो जाके नमाज पढ़े, जो जहाँ बैठा है वो वहाँ जाके बैठे। शर्म नहीं आती तुझे? गैरत नहीं आती तुझे? हया नहीं आती तुझे? अरे मेरे पीर का जो शरिया ने ऐसे ही कुत्तों के चेहरों को बेकाब किया था, जिंदगी में उन्होंने ये बताया था सच्चाई क्या है, हकीकत क्या है, सही क्या है, गलत क्या है। ऐसे ही लोगों को बेनकाब फरमाया था साधु शरिया ने। ऐ लोगों, कुछ रहे क्या ना रहे मगर ईमान सलामत हो आपका, अकीदा तुरस्त हो आपका। अगर अकीदा सही है तो आप कामयाब हैं, ईमान सही है तो आप कामयाब हैं, और
अगर ईमान नहीं है तो फिर आपसे कोई खरीद नहीं है। समझ लीजिए आप, दौलत की वजह से कामयाब नहीं होंगे आप, शोहरत की वजह से कामयाब नहीं होंगे आप, अगर कामयाबी मिलेगी तो ईमान की वजह से मिलेगी। ये कहना पास बैठने से बिगड़ेगा क्या? तो मैं आप तो क्या हूं? अल्लाह के महबूब पैगंबर हैं हजरत नूह अलैहि सलाम। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। सगा बेटा था किनान, मुशरिकीन में बैठा था बेटा। तीन मर्तबा हजरत नूह अलैहि सलाम ने सामने बैठा के बेटे को समझाने की कोशिश की। पूरी सोबत का असर था सीने में। नहीं माना बाप की बात। जब नहीं मानी बाप की बात, हजरत नूह अलैहि सलाम ने अल्लाह के हुक्म से कश्ती बनाई और उस कश्ती में जाने वालों को, अकीदतमंदों को, वफादारों को, अपने गुलामों को कश्ती में बैठाया। और कश्ती में बैठाने के बाद जब कश्ती से निकले, ऐसा अजाब अल्लाह का आया, ऐसा सैलाब आया, सारी बस्तियां डूबी, सारे शहर डूबे, सारे गांव डूबे, सारे इलाके डूबे, कुछ कुछ बाकी नहीं था। जो हजरत नूह की कश्ती में थे सिर्फ वो सलामत थे, बाकी सब डूब रहे थे। उन्हीं डूबने वालों में हजरत नूह ने देखा जहां सब डूब रहे हैं वहीं पैगंबर का सगा बेटा भी डूब रहा है। बेटा बेटा होता है, बाप बाप होता है। अपने बेटे को डूबता देखा पैगंबर ने, आंखें आंसुओं से भर आई। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने आगोश मोहब्बत फैला दी। आजा बेटे, आजा मेरी कश्ती में आजा। पूरी सोहबत ऐसे रंग ला चुकी थी। कहा नहीं नहीं, मैं आपकी कश्ती में नहीं आऊंगा, मैं आपकी कश्ती में नहीं आऊंगा, मैं आपकी गोद में नहीं आऊंगा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम पे करार होकर बोले, बेटे डूब जाएगा। कहने लगा नहीं नहीं, आप बढ़िए आगे, इतने इतने ऊंचे पहाड़ हैं, मैं इन पर चढ़ के बच जाऊंगा, इतने इतने ऊंचे दरख्त हैं, मैं इन पर चढ़ के बच जाऊंगा। हजरत नूह बोले, बेटे आज के दिन न पहाड़ बचाएंगे न तरह बचाएंगे, अगर आज पना मिलेगी तो तेरे बाप की गोद में मिलेगी। कहने लगा नहीं आऊंगा मैं, नहीं आएगा। कहा नहीं, हजरत नूह अलैहिस्सलाम बेटे की मोहब्बत में बेकरार हो गए। अब तकाज़ा बशरियत, बाप के दिल में तो प्यार था अपने बेटे का, इसलिए बेकरार था बाप। बाप ने चारों तरफ देखा, जब बेटा मानने तैयार न हुआ तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाए। अरे भाई बाप है ना, और बाप के दिल को बेटा नहीं समझ सकता। अल्लाह, ये आज का बेटा है जिसने अपने बाप को भीख मांगने पे मजबूर कर दिया। ये आज की औलाद है जिसने अपनी माँ का हाथ पकड़ के भीख मांगने के लिए दरवाजे से बाहर कर दिया। अपने आप को अमीर कहते हो, दौलत वाला कहते हो, मालदार कहते हो, अपने आप को इज्जतदार कहते हो, चलो इसकी सुनो पर कितनी माए दिखाऊंगा मैं जिनके सरों पर दुपट्टे नहीं हो। चलो मेरे साथ बस स्टैंड पर, कितने पाप दिखाऊंगा मैं जिनके सरों पर टोपियां नहीं है, चेहरों पर दाढ़ियां हैं और वो भीख मांग रहे हैं। हाथ हिलाए फिरते हो ना, हाफिज जी दुआ कर दो, कारी साहब दुआ कर दो, मौलाना साहब दुआ कर दो, मुफ्ती साहब दुआ कर दो, पीर साहब दुआ कर दो, पीर भी ऐसे मिल गए जो तुमसे ये कहने तैयार नहीं है कि तेरे बाप का हाल क्या है, तेरी माँ का हाल क्या है। बस उस पीर को नजराना मिल जाए, हर जुमेरात को हर पीर को लाना था ऐसे पीरों पर। हमें ऐसे पीरों की न कल जरूरत थी न आज जरूरत है। हाँ हाँ, पीर जरूरी है, मगर वो पीर जरूरी है क्या अपना नजराना बाद में ले, पहले सर पे हाथ रख के बोले तेरे बाप ने खाना खाया कि नहीं, तेरी माँ ने खाना खाया कि नहीं, तूने फजर की नमाज पढ़ी कि नहीं। नजराना बाद में लिया जाएगा, पहले तुझे मोहब्बत रसूल का जाम पिलाया। मुस्तफा, किरदारे मुस्तफा।
क्या कहने से कोई जरूरत नहीं है। और तुम अरे बारे बात सुनियो, मजाक बना कर रख दिया तुमने दीन का। वो बंटवारे हो रहे पीरों के और मुरीदों के जिसका जवाब देखो सोशल मीडिया पे, चाहिलो में तुम्हें वो झगड़े नहीं मिलेंगे जो आजकल पाए जा रहे हैं। शर्म आना चाहिए हमें, गैरत आना चाहिए। जो कल तक आला हजरत के गीत गाते थे, मुफ्ती आजम के गीत गाते थे, जो अब तक कादू शरिया के गुण गाते थे, आज वो उन्हीं के खिलाफ बोल रहे हैं। अरे शान भूल गए, किसने दी थी जमाने, किसने दिया था बोलने का ढंग। मैं कहता हूं सुन, हमें ऐसे पीरों की न कल जरूरत थी न आज जरूरत है, जो मुस्तफा की उम्मत में इख्तलाफ डाले, हम उन पीरों का हाथ और दामन पकड़ के चलेंगे, जो हम लोगों को इत्तेफाक की दावत देंगे, आपस में मोहब्बत का पैगाम। इसलिए जो शहीद मिल्लत लेते हैं मजार में, जो लेते हैं शादी मियां पीली भीत में, जो लेते हैं शेर में शेर सुन्नत पीली भीत में, जो लेते हैं मकनपुर पे पदयुती, जो लेते हैं मचवासोली शरीफ में हजरत इस्माइल, जो लेते हैं बिलकराम में अब्दुल वाहिद, जो लेते हैं दीगर जगहों पे बुजुर्ग, ये बेटे किसी के हो औलाद किसी की हो, मगर सबकी जड़े जाकर बगदाद में मिलती है। इसलिए हम किसी पीर पर उंगली उठा के अपनी आखिरत बर्बाद करना नहीं चाहते, हम तो इनकी चादर को चूम के अपने मरारा को बुलंद करना चाहते। और तुमको एक हिदायत है, शहीद मिल्लत के कदमों से लेके जाओ, मुरीद किसी के हो खबरदार, अगर उनमें इख्तलाफ है तो वो जाने, तुम्हें किसी पीर पर उंगली उठाने की जरूरत नहीं। जोर से बोलो इंशाल्लाह, जोर से बोलो इंशाल्लाह, किसी के पीर पर किसी बुजुर्ग पर कोई पार्टी नहीं, कोई गिरोह नहीं, कोई उंगली उठाने की हमें जरूरत नहीं है। एक बात याद रखो, सच्चे बनो, अच्छे बनो, ईमानदार बनो, वफादार बनो, झगड़े वाले नहीं मोहब्बत वाले बनो। और से बोलो, झगड़े वाले नहीं मोहब्बत वाले बनो, प्यार वाले बनो, अकीदत वाले बनो, एक दूसरे के चाहने वाले बनो। आज तो लोग कहते ना पीर हो पीर हो पीर हो, अरे यार क्यों हो, पीर हो तो फिर पीर हो, जो हाथ पकड़ के हमें बगदाद के गौस आजम से मिला, जो पार्टी कराए झगड़े कराए निफाक डाले आपस में पार्टी बंदी करे गिरोह बंदी करे, ऐसे पीर ही हमें कोई जरूरत नहीं। हाथ में प्याला लेके भीख मांगते हो फिर वही आ जाओ जहाँ थे, हाफि जी दुआ करो, कारी साहब दुआ करो, मौलाना साहब दुआ करो, मुफ्ती साहब दुआ करो, पीर साहब दुआ करो। याद रखो एक जुमला मेरी तकरीर का सुनो, दुआ के लिए दिल की जरूरत है, दिल की और सर बोलो, दिल से बोलो, अरे दिल की जरूरत है। और दुआ के लिए जो दिल अल्लाह ने तेरी माँ के सीने में रखा है, तेरे बाप के सीने में रखा है, वो दिल किसी पीर के सीने में नहीं हो सकता। अगर दुआ कराना है तो अपने माँ बाप का कदम चूम, अगर तेरे माँ बाप ने तेरे सर पे हाथ रख के तुझे दुआ कर दी, खुदा की कसम तुझे जन्नत में जाने से कोई रोक नहीं। और रहा किस्मत बदलने का मामला, तो माँ से प्यार करके तो देख, बाप से मोहब्बत करके तो देख, अरे बुजुर्गों के करीब आके तो देख, बुजुर्ग के किरदार से वाबस्ता होके तो देख। जिंदगी ना बदल जाए तब कहना, जिंदगी में इंकलाब ना आ जाए तब कहना। जिन्होंने अपने असराब के कहने माने, अपने बुजुर्गों के कहने माने, जो अपने बुजुर्गों के तरीके पर रहे, बल्कि देखो तारीख है, वो
वो कामयाब कल भी थे, वो कामयाब आज भी हैं। परसों हो गए उनको कहे हुए, साल साल गुजर गए, आज भी उनके मदारों पे सो के नहीं उठते उनके चाहने वाले गुलगुलों की बरसात। तुम करोड़पति होकर मरते हो, तुम्हारा कोई जिक्र नहीं। लखपति होकर मरते हो, तुम्हारा कोई जिक्र नहीं। अस थोड़ी देर जिक्र होता कि गुंडा मर गया, लुच्चा मर गया, बदमाश मर गया, नेताजी मर गया, हो गया खत्म। शहीद मिल्लत लेटे देख लो, हाँ हाँ है ना, बच्चा बच्चा दीवाना, तेरी कब्र पर तेरा बेटा ही मिट्टी नहीं देता, तेरे तीजे बच्चा नहीं, तेरा बेटा ही नहीं भरता, इद्दत के लिए तेरी बीवी बैठ रहती है 40 दिन से पहले दूसरा निकाह कर लेती है, इसका मतलब कहीं ना कहीं घोट तेरे अंदर। अगर तू सच्चा होता तो तुझे याद रखा। 1500 साल हो गए, आज भी दुनिया ना नबी को भूली ना नबी के गुलामों को भूल। शोर से बोल के दिखाओ, अरे अबू बकर भी जिंदा है आज तक, और उमर बिन खत्ताब भी जिंदा है आज तक, कोई नहीं भूला है वो हजरत उमर फारूक आदम को। हजरत उमर कौन, जिनकी ताकत, जिनके रोब, जिनके दबदबे, जिनकी शान, जिनकी शौकत, जिनकी अजमत, जिनके तकद्दुस का ये आलम। एक मर्तबा उनके बेटे हजरत अब्दुल्ला ने हाथ पकड़ के कहा था, अब्बा जान ये पेशानी पे, पेशानी पे पसीना कैसा, वक्त रात का है। हजरत उमर हाथ पकड़ के बोले, बेटा डरता हूँ कि कोई जानवर उमर के दौर में प्यासा ना मर जाए, अगर कोई जानवर भी प्यासा मर गया तो हिसाब तेरे बाप उमर से होगा। अल्लाह अल्लाह, आज के दौर के भी बादशाह हैं। अल्लाह अल्लाह करो, अल्लाह करे फैसले अच्छे आए, हमारे हक में जो बेहतर हो वो फैसला, जो तुम्हारे हक में बेहतर हो वो फैसला। कौन बादशाह बने, कौन प्रधानमंत्री बने, कौन मुख्यमंत्री बने, हम नहीं जानते, मगर जो भी बने वो बने जो मुस्तफा के दीन के लिए अच्छा। जोर से बोलो आमीन। अरे यार दिल से बोलो आमीन। बस यही दुआ करे सारे लोग, 1500 साल हो गए, आज भी दुनिया हजरत उमर को नहीं भूल रही। जानते हो क्यों नहीं भूल रही है दुनिया? 3-3 दिन के भूखे रहते थे खुद, मगर मजाल थी मदीने में कोई भूखा सो जाए। आज तो तेरी माँ भूखी तड़प रही है और तू बीवी के साथ होटल में खाना खा रहा है, तेरे बाप को 5 रुपए की दवाई नहीं मिल रही, तू दोस्तों के साथ होटल में मजे उड़ा रहा है। 3-3 दिन तक तेरा कदम घर पर नहीं आता, तू दोस्तों के साथ घूमता है। ये हजरत उमर थे, 3-3 दिन तक उधर घर में नहीं आते। अल्लाह, हजरत अब्दुल्ला ने एक दिन पूछ लिया, अब्बा जान आपको रात को कहां रह जाते? हजरत उमर बोले, जहां थक जाता हूं वहीं बैठकर रात गुजारता हूं। अल्लाह अल्लाह, कौन उमर जिनका हाथ पकड़ कर मुस्तफा ने फरमाया था, जिसको चलता फिरता मदीने में जन्नती देखना हो वो मेरे उमर का चेहरा देखे। तुझे चंद सिक्के मिल जाए तो तुझसे बड़ा कोई नहीं होता, तेरे पैर कमी पर नहीं लगते, तू कारों के शीशे बंद करके चलता, तेरी एसी में किसी की हवा ना चली जाए, किसी की नजर ना चली जाए, शर्म नहीं आती तुझे? 22 लाख मुरब्बा मील का मालिक, आधी दुनिया का बादशाह, मगर गांव में जूता तक नहीं है, फटा हुआ अमामा, और तकरीबन 19 अहमद हैं, उनके बदन पे जो कुर्ता है उसमें, फिर भी घूम रहे हैं मदीने में, और हालात ये हैं, झोलियां पड़ी हैं गर्दन में, झोलियां दरवाजों पे जा जा के कह रहे हैं, खाना खा लिया, खाना खा लिया, खाना खा लिया, जिन दरवाजों से आवाज आती, हाँ हाँ खा लिया, आगे बढ़ जाते, जहाँ से आवाज आती नहीं खाया।